आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नई व्यवस्था के तहत छतरी पुल पर शुरू हुई सब्जी मंडी शुरू होते ही समस्याओं से जूझने लगी। हालांकि नई व्यवस्था अभी सब्जी विक्रेताओं को रास नहीं आ रही है। सब्जी विक्रेताओं ने ग्राहकों के नहीं आने के साथ ही अभी भी कुछ लोगों द्वारा पुरानी जगह पर ही सब्जी बेचने का आरोप लगाया है। सब्जी विक्रेता एक महिला ने त्रिपाल चोरी होने का आरोप भी लगाया। सब्जी विक्रेताओं ने बताया, कांता भाई क्या समस्या आ गया? मेरा तंबू घूम गया, 500 रुपए का तंबू है, 5 रुपए तो कमाए नहीं, 500 रुपए का तंबू चले गया तो फिर माल अलग खराब हो रहा। अभी दूसरे से मांग के मैंने गाड़ी जमाई ढाका, 5 रुपए का तो व्यापारी नहीं करा, 500 रुपए का तंबू तो आए दिन नुकसान होगा, कौन सजा भुगतेगा इनकी? तो बात है, चोरा तो बटा हो जाएगा, फिर ये चोरी चपाटी होगी तो कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन है? जब नगर पालिका वाले ने कह दिया, सरकार ने कह दिया आप यहाँ दुकान लगाओ, लबैया लगा लिया अपने ने, तो अब जब 5 रुपए का व्यापारी नहीं होगा ना, 500 रुपए का तंबू चल जाएगा तो कौन जिम्मेदार है इसका? नाम है आपका? मुन्नी भाई। क्या समस्या आ रही है, किस तरीके का परेशानी आ रही है? माल बेच नहीं दिया, सड़िया सारे 60 रुपए किलो का है, मेरे नीत आदमी कमाने वाला नहीं, लड़का कमाना ना, छोटे छोटे पोते पोती पालन कर रही हूँ, और इधर बैठ रहे हम तो 1 किलो भी आप नहीं बिक रहे, अपनी गाय नहीं दिए, धंधन पर रोजा बोनी भी नहीं हुआ हमारे, और फेरी लाइन सारी बंद करवाओ, मोचीपुरे में दुकानें लग रही है बड़ी बड़ी 4-5, घास बाजार में लग रही है, वहाँ अपने लिम चौक में लग रही है ठेला गाड़िया, वो पर ले गया, सबकी फेरी बंद करवाओ तो यहाँ पब्लिक आएगी। मंडी हम लोगों के लिए लगाई गई है तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग यहाँ आके बैठे, हमको एक बार बोला हम लोग उठ के आ गए, और रेलवे कॉलोनी के अंदर बैठे हुए सारे लोग उनके लिए भी इधर जगह दी गई है, वो लोग आ नहीं रहे हो, कृपा करके वो लोग भी इधर आए, नहीं तो फिर वापस हम लोग जाते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे सारे लोग। 4 दिन हो गए, मेरा तो 1 रुपए का भी माल नहीं बेचा, और रोज 100 रुपए लगा रहे आने जाने के, हमारे तो बच्चों को क्या झेर दे क्या, क्या करे, ये तो जहाँ लग रही दुकान वही जाके लगा लेंगे। एक लेन पर काम करने वाले एक श्रमिक का शव पुलिस ने बरामद किया। खबर है कि शव पड़ा होने की सूचना पलसोड़ी सरपंच ने पुलिस को दी थी। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मृतक का पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक का नाम राजीव पिता भीमसेन कुजूर निवासी राजगढ़ झारखंड बताया गया है। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, इस मामले में पुलिस ने बताया। रात को कल 8 बजे करीबन सूचना मिली थी कि वहाँ पलसोड़ी सरपंच ने सूचना दी कि एक व्यक्ति वहाँ मृत अवस्था में पड़ा है, तो जिस पे हम जाके तलाश किया गया, वो पूछताछ करते उसको डेड बॉडी को यहाँ लाए गए, और आज सुबह वो एटलाइन वाले आए तो अपने उन्हें पहचाना कि ये हमारा एटलाइन में मजदूरी करता था ये, और कल सुबह 8 बजे निकला था, उसके दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी बता रहे, आज उसका PM कराया गया है, उसकी डेड बॉडी उनको दी गई है, वो ले जाएंगे झारखंड में, झारखंड का रहने वाला। धर्मस्य नगरी की पावन धरा पर धर्म गंगा प्रवाहित होने जा रही है। सैलाना ओवरब्रिज के पास अखंड ज्ञान आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री स्वामी ज्ञानानंद जी की 31वीं पुण्य स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के तहत 19 से 26 मई तक श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का पारायण महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदंबरानंद जी सरस्वती के श्री मुख से होगा। महोत्सव में ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, ओमकारेश्वर सहित अन्य स्थानों से करीब 20 महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य संत समाज भी शरीक होकर धर्म गंगा का प्रवाह करेंगे। महोत्सव के तहत श्रीमद् भागवत कथा के लिए स्थल का भूमि पूजन मुख्य जजमान मीनाबाई बंसीलाल अग्रवाल की उपस्थिति में श्री गणेश कर किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अनोखी लाल दुबे, मोहनलाल भट्ट, संतोष जाट, निमिष व्यास, सतीश झमर उपस्थित रहे। आश्रम के संत स्वामी देव स्वरूप जी ने महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यह जो कार्यक्रम है भगवान श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की 31वीं पुण्य स्मृति में किया जा रहा है। इस आयोजन के जो
अध्यक्ष हैं वह स्वामी चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, जो हमारे अखंड ज्ञान आश्रम के अध्यक्ष हैं। वो महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हैं। 31वीं पुण्य स्मृति में भगवान ज्ञानानंद जी के श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा गया। आप सभी रतलाम नगर निवासियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के भागवत कथा का लाभ लें। भागवत का जो आयोजन है वह 19 तारीख से दिन में 3 बजे से चालू होगी और 25 तारीख को समाप्त होगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आएं और श्रीमद् भागवत रसपान करें एवं श्रीमद् भागवत कथा अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज के मुखारविंद से रसपान कराई जाएगी। 26 तारीख को भगवान ज्ञानानंद जी महाराज की पुण्य स्मृति में विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें कम से कम 10-15 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। उज्जैन रेंज के आईजी संतोष कुमार सिंह रतलाम आए। यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपने दौरे के मौके पर आईजी श्री सिंह ने मीडिया कर्मियों से भी चर्चा की और उन्हें बताया कि हुसैन टेकरी क्षेत्र में जहां भी लोग ठहरते हैं वो जगह चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। आने जाने वाले रास्तों पर भी सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। ये पूरी व्यवस्था जून के पहले सप्ताह तक जन सहयोग आयोजन समिति प्रशासन के सहयोग से पूरी कर ली जाएगी। ठहराने से पहले रुकने वालों से दस्तावेज लेने की हिदायत दी गई। यहां से कई बार बच्चों के घूमने की सूचनाएं मिलती हैं। इन व्यवस्थाओं से यहां आपराधिक घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। उन्होंने बताया धर्मशाला या जहां लोग आके रहते हैं वहां पे ऐसी व्यवस्था हो कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके, जिसको सीसीटीवी कैमरे प्लस उनकी जो एंट्री वगैरह होती है उसमें उनसे जो है पहचान के दस्तावेज लेके ही उनको आने जाने दिया जाता है। आज भी जो हमने 3-4 विषयों पर बात की है, इस विषय पर काफी विस्तार से बात हुई है और मैंने इनको ये बताया कि आने वाले लगभग 2-3 हफ्तों यानी जून 1st वीक तक इसको हम थॉरली कंप्लीट कर लें, ताकि वहाँ जो होटल लॉज या इस तरह के जो रहने की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से एक तो सीसीटीवी कैमरे में हो और साथ ही साथ आवागमन की वहाँ जो व्यवस्था होती है जो हुसैन टेकरी पे जाने वाली वहाँ पे भी जहाँ पे संभव हो और जो लगाया जा सकता है वो भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। कई बार हमें अन्य तरह की भी परेशानियाँ होती हैं वहाँ पर, कई बार आपराधिक घटनाएँ हो जाती हैं वहाँ पे, कई बार छोटे बच्चे मिसिंग चले जाते हैं या कोई अन्य इस तरह की घटना होती है जिसमें कि इन इक्विपमेंट्स के लगने से और इस तरह की मॉनिटरिंग होने से मदद मिलेगी। तो हमारा ये टारगेट है कि जो बची हुई चीज़ें हैं उसको हम जून के 1st वीक तक वहाँ पे जन सहयोग या जो आयोजन समिति है उसके सहयोग या जिला प्रशासन के सहयोग से कम्प्लीट करें। खरगोन पुलिस ने जो कार्रवाई की है अगर उसके संबंध में जो भी वो पूछताछ में जानकारी आएगी और उसके संबंध में और रतलाम पुलिस को अगर सूचना देंगे तो पॉजिटिवली उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक चेक चल रहा है जो खरगोन घटना के बाद में आम लोगों में यह है कि सामान भर के रख लें अभी से दंगा कभी भी हो सकता है, तो इसको लेकर तो पुलिसिंग ऐसे कर रही है कि लोगों तक के इस डर को खत्म करने के लिए? जहाँ तक मेरी जानकारी में है रतलाम में पुलिस जो है मोहल्ले मोहल्ले जाके मोहल्ला संवाद किया है और इसका हमें बहुत फ़ायदा जो है इसमें ये होता है कि हमारे बीट के अधिकारी या थाना प्रभारी या SDOP कई बार जो है CSP मोहल्लों में जो शहर के मोहल्ले होंगे गांव में जाके लोगों के साथ संवाद करना, यानी उनके जो लोकल इश्यूज़ हैं उसके बारे में बातचीत करके, और इसको हमने त्योहारों के टाइम में किया था तो त्यौहार में क्या आयोजन होने हैं कैसे होने हैं कौन कौन भाग लेगा इत्यादि के बारे में चर्चा करके इसको कराया गया था। तो इसके हमें बहुत फ़ायदे हुए, कई फ़ायदे ऑन रिकॉर्ड भी है, कहीं तो ये डायरेक्टली हुआ कि हमारा पूरा त्योहारों का जो सीज़न था पिछले लगभग 2 महीनों का बहुत ही शांतिपूर्ण खासतौर से रतलाम जिले और पूरे संभाग में भी रहा। शहर में बिजली समस्या और मोटी राशि के भेजे गए बिलों से जनता परेशान और प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोशित होने लगी। अघोषित बिजली कटौती के साथ साथ वोल्टेज समस्या ने चरम पर पहुंची गर्मी के कारण त्रस्त कर दिया। शहर के मध्य शास्त्री नगर कॉलोनी के रहवासियों ने अंबर टाइम्स के साथ अपनी समस्याओं को साझा करते हुए बताया।
नाम है आपका? मेरा पूजा गेरा। क्या समस्या आ रही है, किस तरीके? समस्या ये सर, रात भर जो लाइट बहुत जाती है, सारा दिन से काम करके आते हैं, फिर रात को थोड़ी उतारनी देती थकावट, और जब लेटने लगे तो उसी समय लाइट चली जाती है, और फिर यही प्रॉब्लम है कि जो रात को ही काम करने रहते करके रखने आते कर नहीं पाते हैं सुबह की तैयारी के लिए, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं वो थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उनकी वोल्टेज में बहुत ज़्यादा, कल कूलर की ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मोटर सड़ गई उसकी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, अगर रेगुलर रहे या ट्रांसफार्मर को चेक कराएं तो फिर थोड़ा बेटर रहेगा। फ्लक्चुएशन इतना हो रहा है, और एक तो लाइट इतनी गई पूरे महीने, उसके बाद भी बिजली का बिल भी इतना ज्यादा आया है, हर हर महीने के हिसाब से बहुत बिजली का बिल है, लाइट भी बंद करे, बिजली का बिल भी इतना भरे, और सामान भी सामान अलग खराब हो रहा है, ये बहुत समस्या है। शास्त्री नगर जिस हिसाब से पॉश कॉलोनी है उस हिसाब से तो बहुत बड़ी समस्या है, पानी के लिए और बिजली के लिए, पानी की तो भी काम है, पानी के लिए आ रहा है, बिजली भी कट हो रही है, किस तरह की समस्या है? क्या ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये यहाँ से डीपी बार बार बंद हो जाती है, और डीपी बंद होने के बाद में ये बोलते हैं डीपी जल गई, वहाँ जाओ तो कोई सुनता नहीं है, और पूरी पूरी रात लाइटें बंद रहती है, लाइट का बिल भी अनाप शनाप भेज दिया, तीनों तरफ से परेशान कर रहे हैं, इधर लाइट का बिल ज़्यादा दे रहे हैं, इधर लाइट नहीं दे रहे हैं, और लाइट का बिल अनाप शनाप दे रहे हैं, और नल के भी परेशानी है, पानी नहीं आता बराबर, और शास्त्री नगर जैसी जगह अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह क्या हालत हो रही होगी? पिछले कई टाइम से 8-10 दिनों से मतलब वोल्टेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, और मैंने MP में शिकायत भी करी थी, परसों 3-4 दिन पहले तो नाइट में रात 11:30 बजे करीब लाइट गई, और वो सुबह 11:30 बजे आई दूसरे दिन सेकेंड डे, रात को मैंने करीब 12 बजे फ़ोन लगाया तो बोले हाँ भैया देखते हैं, 1 बजे भी लगाया, उसके बाद उन्होंने सुनवाई कुछ नहीं करी, फिर 3 बजे फिर लगा के जाके भी आया मैं तो MP भी, उन्होंने कहा भैया आपका काम चल रहा है, जबकि कोई काम नहीं चल रहा था, किसी ने देखा देखी नहीं करी, मैंने सुबह विजय भैया को फ़ोन लगाया और भी मणिलाल जी को फ़ोन लगाया, 2-3 जगह मैंने फ़ोन भी लगाने को भूला, उन्होंने अधिकारी से बात करी, बोले भैया आपके यहाँ केबल कट गई है, रात को कोई वर्कर नहीं है, तो रात को इसलिए काम नहीं हो पाया, सुबह होगा मॉर्निंग में, तो सुबह काम चालू हुआ और वो होगा कम्प्लीट, 11 बजे लाइट आई, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, सुनवाई ढंग से नहीं हो पाती, ये तो हमारे विजय भैया साथ में है तो इस बहाने कम से कम कुछ सुनवाई हो जाती है, तो आप इस चीज़ पर जरा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे एरिया में अगर लाइट नहीं आ रही और समस्या आ रही है और सुनवाई नहीं होगी तो जनता बहुत परेशान हो जाएगी। इस मामले में कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने समस्या का समाधान 1 हफ्ते में नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा। मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीक्षक यंत्री से निवेदन करता हूं कि शास्त्री नगर वार्ड नंबर 33 विगत 10-15 दिन में दिन में तो अलावा रात में इतनी लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है, और यहाँ पर लोगों के बहुत सारे घर के कूलर हुए, फ्रिज हुआ, TV हुआ, ये ख़राब हो चुके हैं, बार बार लोग बार कंप्लेंट करने जाते हैं, कंप्लेंट को सुना नहीं जाता है और इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा आपसे ऐसा अनुरोध निवेदन है कि इसे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई में लेते हुए दोनों, एक जो गुरु तेग बहादुर स्कूल के आगे DP लगी हुई है उसको और न्यू रोड वाली लगी हुई DP को तुरंत प्रभाव से ठीक करें, अन्यथा नहीं तो क्षेत्रवासी 7 दिन के अंदर यदि समस्या का हल नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ऑफिस में आकर धरने पर बैठेंगे। तीन ANM को निलंबित करने के मामले में न्यू बहुउद्देशी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने ज्ञापन देकर निलंबन समाप्त करने की मांग की थी। गुरुवार को इसी मामले में संघ ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से चर्चा की। कलेक्टर ने तत्काल CMHO से चर्चा कर निलंबन को कर्तव्य स्थल पर माने जाने और स्पष्टीकरण लेकर निलंबन से बहाल करने को कहा। संघ नेताओं ने बताया, 5 ANM को निलंबित और सेवा समाप्ति के लिए बोला गया था, परंतु उनको कार्य अवधि पर कार्य नहीं करने के लिए BMO द्वारा या अधिकारियों द्वारा बोला गया था। इस वजह से हम लोग वापस सर से मिलने आए। सर ने आश्वासन दिया था, पहले हमने ज्ञापन दिया उस दिन, सर ने आश्वासन दिया था हमको कि आप लोग अपना कार्य करें और कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हो। हमारी जो ANM जिनको सस्पेंड किया था वो उपस्थित भी हो चुकी थी, परंतु उनको कुछ को मना कर दिया गया था अधिकारियों द्वारा। अब वो कार्य के लिए इसलिए हम वापस सर से मिलने आए कि हमको निलंबन का आदेश दिया जा रहा है, तो सर क्या हम कार्य करें या ना करें आप बताएं हमें, क्योंकि आपने तो हमें पहले ये बोल दिया था। तो सर ने बोला कि नहीं, आपका कार्य कार्यावधि में गिना जाएगा, आप कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर अपना कार्य करें।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम।